हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने देखिएगा, कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि आप अपने चैनल के लिए आउट्रो कैसे बना सकते हैं। आउट्रो का मतलब होता है दोस्तों लास्ट में जो इंड स्क्रीन जिसे कहते हैं, वीडियो को खत्म होने के बाद देखते हैं कि इंड स्क्रीन आता है जिस पे आप दो वीडियोस को ऐड कर सकते हो और एक सब्सक्राइब बटन क्रिएट कर सकते हो। और बहुत तरह के इंड स्क्रीन होते हैं, आप चार वीडियोस को भी अटैच कर सकते हो, एक सब्सक्राइबर को अटैच कर सकते हो, मतलब बहुत तरीके के जो है आप आउट्रो बना सकते हो, इंड स्क्रीन बना सकते हो। तो दोस्तों, इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इससे क्यों बेनिफिट होता है दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई एक वीडियो जो है बहुत ज्यादा आपके चैनल पर चल रही है, ठीक है, तो आपके उस चैनल पर चल रही है वो वीडियो और वो वीडियो में बहुत ज्यादा व्यूज आ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि कोई बंदा अगर एंड तक देखेगा, उस वीडियो को लास्ट तक देखेगा, तो लास्ट में क्या होगा कि आपका और दो वीडियो जो है उसको रिकमेंडेशन में आ जाएगा। मतलब लास्ट में आप एंड स्क्रीन में उसे ऐड करके रख दोगे जो दो वीडियो, वो वीडियो भी उस बंदे को नजर आएगी। और अगर आप उस बंदे को पसंद आ गया कि इस टॉपिक पे भी उसको अगर देखने का मन हो गया वो वीडियो, तो क्या होगा कि वो वहां से तुरंत से क्लिक कर देगा आपके उस वीडियो को भी कर लेगा। तो उससे क्या होगा कि आपके सेकंड वीडियो पर भी व्यूज आ जाएंगे। या फिर दोस्तों, उसको अगर सब्सक्राइब करना नहीं आता तो क्या होगा कि सब्सक्राइब वाला बटन भी आप ऐड कर सकते हो इंड स्क्रीन पे, तो वो बंदा क्या करेगा आपके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी वहां से भी वो डायरेक्टली सब्सक्राइब कर सकता है। तो दोस्तों, ये इंड स्क्रीन बहुत ज्यादा फैक्ट करता है, बहुत अच्छा काम करता है आपके चैनल को ग्रोथ करने के लिए, सब्सक्राइबर्स लाने के लिए और मोर व्यूज लाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज। एक वीडियो अगर चल गया तो आपके उस वीडियो के थ्रू से वो सेकंड वीडियो देखेगा, फिर उस वीडियो पे व्यूज आ जाएगा, फिर उस वीडियो पे भी इंड स्क्रीन ऐड रहेगा तो फिर उस वीडियो के थ्रू से वो फिर थर्ड वीडियो देख लेगा। तो इस तरह से जो है आप इंड स्क्रीन ऐड करके बहुत सारा वीडियोज पे व्यूज ला सकते हो अपने चैनल पर। तो दोस्तों, ये आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप इंड स्क्रीन पे कैसे वीडियोज को अटैच कर सकते हो और सब्सक्राइब वाला बटन को अटैच कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, मैंने जब आउट्रो बनाया था तो उस पर बहुत सारा कमेंट्स आया था कि मनोज भाई, आपने तो आउट्रो बनाना बता दिया, बट आपने ये नहीं बताया कि एंड स्क्रीन पे वीडियोस कैसे ऐड करेंगे और सब्सक्राइब वाला बटन कैसे ऐड करेंगे। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कैसे आप एंड स्क्रीन पे दो वीडियो को अटैच कर सकते हो और सब्सक्राइब वाला बटन भी अटैच कर सकते हो। तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसको करने के लिए दोस्तों, आप लोगों को अगर आपके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है, तो आपको क्रोम ब्राउजर से करना होगा। क्रोम ब्राउजर को जो है आप लोग डेस्कटॉप मोड पे ऑन करके अपने चैनल को ओपन कर लेना। और दोस्तों, अगर आपका लैपटॉप या पीसी है तो वो ज्यादा बेटर होता है। लैपटॉप पीसी में स्क्रीन बड़ा होता है, आप आराम से यहाँ से इंड स्क्रीन को ऐड कर सकते हो। तो चलिए, मैं अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर बताऊंगा और आपको इसी तरह से अपने फोन पे भी करना है। मैं पहले स्मार्टफोन पे ही करता था जब मेरा लैपटॉप नहीं था, अभी मेरा लैपटॉप है तो मैं लैपटॉप से कर लेता हूँ, इसमें ज्यादा आसानी होता है। तो चलिए चलते हैं, मैं चलूंगा अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपको बताऊंगा सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों, यहाँ से क्या करना है आपको, सिंपली से अपने चैनल के क्रिएटर स्टूडियो पे जाना है, ठीक है। यहाँ से चले जाइए क्रिएटर स्टूडियो पे, आपको वीडियो को अपलोड करने के बाद जो है इंड स्क्रीन को ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, ये मेरा अपलोडेड वीडियो जो है, यहाँ से कुछ लिस्ट है, तो मैं चलिए रिसेंट वाला वीडियो टिकटॉक वीडियो वायरल कैसे करें मैंने कल डाला हुआ था, तो इसकी इंड स्क्रीन लगाकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली से आपको उस वीडियो को एडिट करना है, ठीक है। आप अपलोडेड वीडियो, पहले वीडियो को अपलोड कर देना है, देन आपको एडिट पे जाना है। एडिट पे जाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, देन यहाँ से आपको जो है देखिए इंड स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आपको सिंपली से इंड स्क्रीन के ऊपर प्रेस करना है। यहाँ से आप प्रेस कर दोगे गाइस, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और ये ऑटोमेटिक से ये वीडियो जो है यहाँ से इंड स्क्रीन के लिए टाइम ऑटोमेटिक से सिलेक्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो 6:29 में ये सिलेक्ट हो गया है और मेरा वीडियो है 6:49 का, ठीक है। तो मतलब कि आप 20 सेकंड के लिए इंड स्क्रीन लगा सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ से आपको क्या करना है, ये टाइम ऑटोमेटिक से आ गया। अब देखिए, मेरा टाइम आने का विवाद होता नहीं है क्योंकि मेरा एंड स्क्रीन जो है वो आउटरो मेरा जो है 15 सेकंड का है, तो मैं यहाँ से कुछ देर के लिए इस वीडियो को प्ले करके और उसको आउटरो को जो है लेके जाऊंगा जहां से आउटरो मेरा आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो ये मेरा अब जो है वीडियो खत्म जैसे ही हो जाएगा और आउटरो आ जाएगा। ये देखिए मेरा आउटरो आ गया, मैंने यहाँ से इसको पॉज कर दिया, अब आउटरो आ गया है, पॉज कर दिया। अब यहाँ से आपको सिंपली से यहाँ से ऐड एलिमेंट का ऑप्शन मिला, आपको ऐड एलिमेंट के ऊपर प्रेस करना है, देन आपके सामने चार जो है यहाँ से ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से सब्सक्राइब बटन बीच में जो है ऐड करना होगा, तो सब्सक्राइब बटन को ऐड करने के लिए आपको सब्सक्राइब के ऊपर क्रिएट करना है। यहाँ से क्रिएट कर दोगे तो ये देखिए मेरा चैनल का लोगो यहाँ से नजर आएगा, तो इस चैनल का लोगो का आपको सिंपली प्रेस करके रखना है और नीचे लाकर बीच में जो है यहाँ से छोड़ देना है। ये बीच में आ गया, अब जो है दोस्तों ये सब्सक्राइब बटन ऐड हो गया। अब यहाँ से वीडियोस ऐड करना है तो फिर से ऐड एलिमेंट के ऊपर जाइए और वीडियो और प्लेलिस्ट जो आप देख रहे हो यहाँ से क्रिएट कीजिए। तो यहाँ से आपका जो है देखिए मोस्ट रिसेंट अपलोड, ये अगर आप करके रख दोगे यहाँ पे तो क्या होगा कि जो भी आपका रिसेंट वीडियो होगा वो ऑटोमेटिक से यहाँ पे अटैच हो जाएगा। बेस्ट फॉर व्यूअर, सबसे ज्यादा व्यूज
पाने वाला वीडियो जो है वो है, और आपको चूज ए वीडियो और प्लेलिस्ट इसके ऊपर प्रेस करना है, देन आपको बहुत सारे वीडियोज आपके जो खुद के वीडियोज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो है वो वीडियो अटैच कर देना है जो सा वीडियो आपको यहाँ पर लगाना होगा। तो मेरा अगर सजेशन मानोगे दोस्तों तो आपको वही वीडियो अटैच करना है जो वीडियो इस वीडियो से रिलेट करता है। जैसे कि मेरा ये वीडियो था टिकटॉक वीडियो वायरल कैसे करे, तो मैं यहाँ से टिकटॉक रिलेटेड वीडियो ही यहाँ पे अटैच करूंगा, ठीक है। तो मैंने जैसे टिकटॉक पे और भी वीडियो बनाई हुई है टिकटॉक से पैसे कैसे कमाए, तो इसको मैं यहाँ से अटैच कर दूंगा। तो यहाँ से इसको क्लिक करके क्रिएट एलिमेंट के ऊपर प्रेस करना है, देन आपका ये वीडियो देखिए यहाँ पे आ जाएगा ऊपर में। अब इसको फिर से पकड़ के रखिए और इसको जो है यहाँ पे ला करके सटा दीजिए। तो ये फोर जो स्क्वायर है इसके ऊपर जो है मैंने रख लिया। अब फिर से देखिए एक और वीडियो अटैच करना है, फिर से एड एलिमेंट पर जाइए, फिर से वीडियो और प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए, फिर यहाँ से चूज ए वीडियो और प्लेलिस्ट के ऊपर प्रेस करने के बाद आपको जो सा वीडियो यहाँ पर लगाना है उस वीडियो को लगा देना है। तब मैं यहाँ से कोई एक वीडियो लगा दूंगा, जैसे कि मोबाइल से प्रोफेशनल फोटो बनाना वीडियो बनाना सीखे तो इसको मैं लगाता हूँ। ये भी अटैच करना है, क्रिएट के ऊपर प्रेस करके इसको भी यहाँ पे ला देना है। देन आपको ये तीनों लग गया है। अब दोस्तों यहाँ से सिंपली आपको प्रेस करना है सेव के ऊपर, तो मैंने सेव के ऊपर प्रेस कर दिया, ये जो है अब लग चुका है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कितना आसान तरीके से आप यहाँ सेट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि आगे भी इसी तरह की वीडियो आपने इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।